ओ है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे होंगे। सलाम, नमस्कार, आदाब। यार देखो यार, इस टाइम पे कोई पोस्टर रिलीज करता है क्या भाई? इसी टाइम पे पोस्टर रिलीज करता है, क्योंकि ओम रावत है ना, हमेशा मुहूर्त को देख के काम करता है। एंड एक और बात मैं आपको बताता हूँ भाई, आदि पुरुष का पोस्टर आने वाला हो ना, तो इस टाइम पे क्या आधी रात को 3 बजे भी उठ के खड़े हो जाएंगे हम। एंड इस पोस्टर को देखो यार, पहली बात तो ये कोई मासी मूवी नहीं है, ये कोई ऐसा मूवी नहीं है कि भाई इसमें आपको खून खराबा देखने को मिलेगा। ये एक रामायण पे से बनने वाला मूवी है। एंड उसका पोस्टर तो भाई आप देख लो यार, पोस्टर देख लो, इसको बोलते हैं एकदम सादगी से भरा पोस्टर। मींस के भाई, जिसको बोलते हैं ना, जिसको देखने के बाद एक प्यारा सा फीलिंग आना चाहिए, ऐसा फील आना चाहिए कि भाई देख के एकदम मजा आ गया, वो फील आपको ये पोस्टर दे रहा है। भाई देखो, जिस तरीके से प्रभास वो आसमान के ऊपर तीर चला रहा है, उसके बाद वो बिजली निकल रही है, एंड नीचे आप देखो आई थिंक वो समंदर है या फिर वो बारिश गिरने के बाद वो जो पानी भरा जाता है, पता नहीं क्या है। तो मूवी के अंदर जब देखेंगे तभी पता चलेगा भाई। ये पोस्टर देखने के बाद आपको पता चलेगा इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी, जो VFX आपको इसमें देखने को मिलने वाला है ना, आपने कभी नहीं देखा होगा। नहीं यार, पोस्टर को देखो यार, कितना प्यारा पोस्टर है यार, जबरदस्त। उसके बाद प्रभास के वो लुक एंड वो हाथों में वो यार उसको क्या बोलते हैं यार, वो कुछ पहना हुआ है आई थिंक, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे उसका नाम क्लियर कर देना। एंड प्रभास का वो लॉन्ग हेयर, उसके बाद वो मूछ, एंड भाई जिस तरीके से प्रभास वो आसमान में देख रहा है, देख के काफी मजेदार लग रहा है, काफी जबरदस्त लग रहा है यार। एक बात बोलता हूं यार, ओम रावत सर का डायरेक्शन प्लस रामायण के ऊपर से मूवी, एंड यार मुझे लगता है ये मूवी फाड़ेगा, डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस फाड़ेगा। अगर ये मूवी लोगों को टच करके आना तो भाई इंडिया से आराम से, मैं तो बोलता हूं इंडिया को छोड़ो यार, वर्ल्ड वाइड ये 1000 करोड़ तो आराम से छापने वाला है, हो सकता है 1200-1500 करोड़ भी हो सकता है। एंड यार देखो, प्रभास को जो अपकमिंग मूवी है वो तो इतना फाड़ू फाड़ू है ना भाई, सलार के साथ KGF वाला कनेक्शन, अब ये आदि पुरुष के साथ रामायण वाला कलेक्शन, उसके बाद वो प्रोजेक्ट के का मेरे को नहीं पता उसका क्या होने वाला है, बट फिर भी यार ये जो दोनों के दोनों मूवी है ना, बाप लेवल का मूवी होने वाला है। एंड ये आदि पुरुष यार, भाई आदि पुरुष का तो भाई मतलब सुन के दिमाग खिल जाता है। अभी 3-4 दिन पहले न्यूज निकल के आ रहा था इसके अंदर जो सैफ अली खान एंड वो जो हनुमान का जो रोल में है, उसके बाद प्रभास भाई इनका हाइट 10-12 फुट दिखाने वाले, मीन्स के आज के टाइम का जो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले, जो VFX यूज करने वाले ना, वो देख के आपके पैर से जमीन खिसक जाएगी और आप लोग सीट गर्म करने के लिए आराम से थिएटर में पहुंच जाओगे, मतलब इतना भयंकर मूवी होने वाला है। एंड एक और बात मैं आपको बताऊं भाई, देखो प्रभास का जो लास्ट मूवी था लाइक साहो एंड उसके बाद जो राधे श्याम, जो कि फ्लॉप था, मीन्स के लोगों का पसंद नहीं आया, ठीक है आप बोल सकते हो कलेक्शन इतना था इतना था, कलेक्शन को छोड़ जाए, पसंद नहीं आया भाई, क्योंकि पब्लिक है ना आदि पुरुष के अंदर बाहुबली को ढूंढ रही है, एंड वो बाहुबली को ढूंढने की जो ख्वाहिश कोई पूरी कर सकता है ना, तो वो आदि पुरुष पूरी कर सकता है, क्योंकि यार इस पोस्टर को देखो यार, लुक एट दिस पोस्टर, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। एंड भाई ये जब थिएटर के अंदर जब प्रभास आएगा ऐसे रोल के साथ, एंड जब ये लोग सीटियां पाड़ेंगे, लोग तालियां बजाएंगे, प्लस ओम राव सर का डायरेक्शन, आदि पुरुष, सामने हनुमान के रोल में भाई एक बंदा, उसके बाद आप देखो रावण के रोल में आप सैफ अली खान, पूरी कपड़ा रामायण के ऊपर से मूवी, भाई कितना फाड़ेगा ये मूवी भाई, पब्लिक तो एकदम पागल हो जाएगा इस मूवी को देखने के लिए। एनीवेज यार, ये पोस्टर आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या झंडे गाड़ सकता है प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं तो अभी से बोल रहा हूँ भाई, 1000 करोड़ तो कहीं नहीं गया इसका, मैं ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, 1000 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया, क्योंकि यार एक बात बोलता हूँ मैं, आदि पुरुष देखो यार, एक्चुअली यार इतना बड़ा बजट वाली मूवी ना, दोधारी तलवार हो सकता है, आप कुछ भी बोलो, रामायण के ऊपर से मूवी है, रामायण के ऊपर से मूवी है, रामायण के ऊपर से मूवी है, आज के टाइम पे पब्लिक का ना एक भाई पता नहीं चलता क्या है हमारे इंडिया के अंदर। भाई देखो यार, पहली बात तो इतने भाई बड़े बजट का मूवी यार, ऑलमोस्ट यार 600-700 करोड़ का बजट होगा इसका, तो यार इंडिया के अंदर से कलेक्शन ला लाके भाई 1000 करोड़ ला सकते हो आप। उसके बाद वर्ल्ड वाइड अगर आप मान लो तो पूरी वर्ल्ड वाइड मिला के आप 1500 करोड़ ला सकते हो, ठीक है भाई, इतना यहाँ इंडिया के अंदर बहुत होता है। कुछ लोग बोलते हैं 5000 करोड़, 10000 करोड़, भाई उसी बोलने की बातें होती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है भाई, लोग पता नहीं इधर उधर से देखने पे उनको मजा आता है, वो लोग थिएटर में अपना खिसका के जाते ही नहीं है, क्योंकि भाई कुछ भी मूवी हो जाए, और वैसे भी आज के टाइम पे जो महंगाई है तो हो भी सकता है। एनीवेज यार, अब इसका जो कलेक्शन कितना है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, आपको क्या लगता है, एंड ये जो पोस्टर आपको कैसा लगा प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड यार इतना अच्छा मूवी बन रहा है, इतने बड़े लेवल का मूवी बन रहा है, इतने बड़े बजट का मूवी बन रहा है ना, मैं तो बोलूंगा यार इधर उधर से देखने से अच्छा है इसको थिएटर में सपोर्ट करने के लिए जाना, क्योंकि भाई इतने बड़े बजट की मूवी को अगर हम सपोर्ट करेंगे ना, आने वाले टाइम में हमको इससे बड़े बड़े बजट का मूवी देखना नसीब होगा। एंड हम जो बोलते हैं ना हॉलीवुड को टक्कर देंगे, डेफिनेटली हम हॉलीवुड को टक्कर देंगे, एंड वो उसका सबूत आपको आदि पुरुष दिखाएगा। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू।